राज्यसभा से निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह लगातार धरने में बैठे हैं। पहले सदन के अंदर भी उनकी तरफ से धरना किया जा रहा था, अब गांधी मूर्ति के सामने वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी रात यहां पर बैठे रहे। आप देखिए कि दूसरी पार्टियों के भी यहां पर सांसद मौजूद हैं। संसद परिसर में जो गांधी मूर्ति है उसके सामने ये सभी सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही मांग है कि जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर के ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, निलंबन जो हुआ है उसको वापस किया जाना चाहिए। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। सर, आप लोग यहाँ पूरी रात डटे रहे, किस तरीके की अब आगे की आप लोगों की स्ट्रेटजी है, अब क्या मांग? देखिए, मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है ये कोई सामान्य बात नहीं है और इस पूरे मामले में भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी, भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी कहीं ना कहीं मणिपुर की हिंसा को मौन सहमति है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मणिपुर की हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है, बीजेपी द्वारा प्रायोजित हिंसा है और इसलिए ज़रूरी है कि सदन में आके देश के प्रधानमंत्री जवाब दें और उनको पूरी दुनिया की सैर करने की फुर्सत है। चीता आएगा तो 3 दिन तक फोटो खींची जाएगी, किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो उस पर प्रधानमंत्री जी का ट्वीट और बयान आ जाता है, ब्राज़ील के फुटबॉलर को कुछ हो जाए तो उसको ट्वीट और बयान आ जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बेटियों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा, आप सोचिए कि कारगिल का एक योद्धा, एक रिटायर्ड सूबेदार, उसका ये बयान है कि मैंने कारगिल युद्ध में शामिल होकर भारत माता की तो रक्षा कर ली, देश की तो रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म